सोनिया के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल जारी। दिल्ली में गिरिराज सिंह के घर के बाहर जमा हुए कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। मुंबई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पीएम के दौरे से पहले सड़क पर निकले कार्यकर्ता। बैंगलोर में कांग्रेस महिला मोर्चा का हंगामा, गिरिराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बैंगलोर में यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, सोनिया गांधी पर रंग बेदी टिप्पणी का विरोध। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह का पुतला फूंका, गिरिराज को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। पटना में भी गिरिराज सिंह के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर पर फेंके अंडे और टमाटर। सोने के खिलाफ गिरिराज सिंह के दिए बयान से भड़की कांग्रेस, गिरिराज का इस्तीफा मांगा। हम भारत नस्लवाद के खिलाफ लड़ता है, हमारे भाजपा के नेता नस्लवाद के प्रतीक है। दलदल में फंसी हुई पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी सफाई की बात करने वाले, जिनके हाथ खुद मैले हों वो सफाई क्या करेंगे। मैंगलोर में आज तय होगा बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा, अमित शाह पहुंचे बैठक में। बैठक में हिस्सा लेने पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम पहुंचेंगे बैंगलोर, बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी। शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी का भाषण, कल नेशनल लॉ कॉलेज में करेंगे रैली। कल सुबह 10 बजे शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का होगा भाषण। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर का बयान, वक्त आने पर बन जाएगा राम मंदिर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की वापसी की सरगर्मियां तेज, सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आ सकते हैं वापस। राहुल गांधी के दिल्ली में होने वाली किसान रैली में शामिल होने की है खबर, सारनाथ से चंपारण का के पदयात्रा का भी है प्लान। 16 फरवरी से छुट्टी पर है राहुल गांधी, उनकी गैर मौजूदगी को लेकर विरोधियों ने खोल रखा था मोर्चा, बजट सत्र से गायब रहने पर सवाल। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, नीमच इलाके में किसानों से करेंगी मुलाकात। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का फिर से किया ट्रांसफर। भूमि बिल पर कांग्रेस का विरोध जारी, कहा हमें पुराने बिल में संशोधन मंजूर नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा हम राज्यसभा में बिल का जमकर विरोध करेंगे। परिवर्तन नहीं है, वही संशोधन, नौ संशोधन जो लोकसभा में पारित हुए थे, जिनमें किसान की अनुमति का कोई प्रावधान नहीं था, वही संशोधन, वही अध्यादेश जारी किया गया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा बिल में नौ संशोधनों के बाद कांग्रेस का इसका विरोध करना गलत। देश ने बीजेपी को एनडीए को मंजूरी दिया शासन करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी से, ये निर्णय केंद्र सरकार का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, ये निर्णय का एक नेपथ्य है। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का फिर किया ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट विभाग से हटाकर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में भेजा। अशोक खेमका का 46वीं बार हुआ तबादला, वाड्रा जमीन मामला सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने के लिए चर्चित। ट्रांसफर को लेकर अशोक खेमका ने किया ट्वीट, लिखा ट्रांसफर के फैसले से बेहद दुखी। खेमका ने लिखा तमाम पाबंदियों और विरोधी हितों के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ किया काम, ट्रांसपोर्ट विभाग में किए सुधार। हरियाणा में परिवहन कमिश्नर और सचिव पद पर तैनात थे खेमका, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने खेमका को लेकर बनाया था मुद्दा। खेमका के ट्रांसफर को लेकर हरियाणा सरकार में मतभेद, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आए खेमका के समर्थन में, कहा सीएम से करेंगे बातचीत।
दिल्ली सरकार को DERC से लगा बड़ा झटका, बिजली के दाम बढ़ने की जानकारी देने से किया इनकार। केजरीवाल सरकार ने 2011 से 2014 तक बड़ी कीमतों का मांगा था ब्यौरा, बिजली चोरी की में कमी के बाद भी दाम क्यों बढ़ाए गए। DERC ने दिल्ली सरकार को दिया जवाब, वितरण कंपनी में 49% की है कि हिस्सेदारी है सरकार, इसलिए उन्हें होनी चाहिए थी ज्यादा जानकारी। लैंड बिल के खिलाफ TMC की मोर्चाबंदी, 8 अप्रैल को कोलकाता में मेगा रैली का ऐलान, ममता बनर्जी करेंगी रैली की अगुवाई, पूरे राज्य में लैंड बिल के खिलाफ आंदोलन। BHP नेता प्रवीण तोगड़िया के पश्चिम बंगाल में घुसने पर लगा बैन, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारी। 5 अप्रैल को उत्तरी दिनाजपुर में रैली करने वाले थे तोगड़िया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में उनके घुसने पर लगाई पाबंदी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तनाव, CPM और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीती रात यमन से लौटा भारतीयों का जत्था, वतन लौटने पर सभी ने ली राहत की सांस। वायुसेना के विशेष विमान से सभी को मुंबई और कोची लाया गया, परिजनों के चेहरों पर लौटी खुशी। यमन से मुंबई लौटे 190 भारतीय, लौटने वालों में ज्यादातर दक्षिण भारतीय। यमन से भारत लौटे भारतीयों को सेंट्रल रेलवे की तरफ से खास सेवा, सभी को दिया जा रहा है घर लौटने का कंफर्म टिकट। यमन में फंसे 350 भारतीयों को सुरक्षित बचाने में मिली कामयाबी, नौसेना के जहाज INS सुमित्रा ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। मुंबई महानगर में अवैध मकान में रहने वालों को राहत, सरकार नियम बदलकर करीब 65,320 मकानों को करेगी नियमित। BMC कमिश्नर कुंटे की अगुवाई में बनी समिति की रिपोर्ट पर फडणवीस सरकार का फैसला, जल्द शुरू होगा अवैध मकानों को नियमित करने का काम। महाराष्ट्र में फिलहाल नया साइबर कानून नहीं, चलेगा केंद्र का कानून, राज्य में साइबर क्राइम पर काबू के सवाल पर CM का बयान। कांग्रेस ने की LED लाइट मामले की जांच की मांग, मुंबई कांग्रेस के नए मुखिया संजय निरुपम ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंबई नगर निगम में उम्मीदवारों को 4,00,000 खर्च की समय तय, सीमा तय, राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश। मुंबई नगर निगम चुनाव में सीटों को लेकर BJP शिवसेना में खींचतान, एयरपोर्ट पर 55,00,000 का सोना जब्त, एयरबैंड में छिपा कर ला रही थी महिला, बीते साल मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने जब्त किया था कुल 940 किलो गोल्ड। मुंबई एयरपोर्ट पर 51,00,000 नगद के साथ शख्स धरा गया, पुलिस को हवाला का शक, घूस लेते रंगे हाथों धरा गया एक असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, CST स्टेशन के बाहर पब्लिक नोटरी में नौकरी दिलाने के नाम पर ले रहा था 45,000 रिश्वत। नागपुर सेंट्रल जेल से 5 खतरनाक कैदियों के भागने की घटना की ACB चीफ प्रवीण दीक्षित करेंगे जांच, CM फडणवीस का फरमान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सुबह 2:53 पर भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1, चमोली में था भूकंप का केंद्र, दहशत की वजह से घरों से निकले लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोना तस्करों का गिरोह सक्रिय, साइकिल टायर, कुकिंग प्लेट और कपड़ों में छुपाकर सोना ले जाने की साजिश। अप्रैल फूल के नाम पर कानपुर में ट्रैक पर 3 घंटे पड़ा रहा शव, परिवार वाले फोन को समझ रहे थे मजाक, 4 बार फोन करने पर भी मौके पर नहीं पहुंचे परिवार वाले, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, बहुत देर बाद लोगों को हुआ यकीन। मसूरी के IAS अकेडमी में फर्जी IAS बनकर 6 महीने तक रही एक महिला, पकड़े जाने से पहले फरार। फर्जी IAS बनकर रही महिला UP के मुजफ्फरनगर की रहने वाली, पुलिस कर रही है तलाश। UP के बदायूं में 2 नाबालिग बहनों को बंधक बनाकर गैंगरेप, आरोपियों में 2 सगे भाई भी शामिल। UP के गोंडा में चाकू की नोक पर महिला से गैंगरेप, विरोध करने पर चेहरे पर चाकुओं से वार, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से किया रेप, एक आरोपी सरपंच के परिवार का सदस्य,
राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी जरूरी। राजस्थान विधानसभा में पास हुआ पंचायती राज संशोधन बिल। नए कानून के तहत अब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए 10वीं पास होना जरूरी। सरपंच चुनाव के लिए 8वीं पास होना जरूरी। राजस्थान में ऊंटों की घटती तार